नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे सलमान खान के 10 अफेयर्स के किस्से। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पहले गर्लफ्रेंड के कॉलेज के बाहर घंटों खड़े रहते थे दबंग खान जवानी के दिनों में। सलमान अपनी गर्लफ्रेंड्स के प्यार में इस कदर गिरफ्त हो चुके थे कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में काम के दौरान सलमान को कई बार इश्क हुआ, लेकिन उनका रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के सलमान के वो 10 अफेयर्स जो रिलेशनशिप के बाद शादी के रिश्ते में ना बन सके। शुरुआत करते हैं शाहीन जाफरी से। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जाफरी थी। जाफरी एक मॉडल थी। सलमान खान उस वक्त इतने दीवाने थे कि वह शाहीन से मिलने के लिए उनके कॉलेज के बाहर घंटों खड़े रहते थे। उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन यह रिश्ता आगे न बढ़ सका। एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया गया था कि सलमान खान और शाहीन जाफरी एक रिश्ते में थे। संगीता बिजरानी, सलमान खान का दूसरा अफेयर। मिस इंडिया का क्राउन जीतने वाली संगीता बिजरानी के साथ हुआ था। बताया जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन बाद में शादी कैंसिल हो गई। संगीता उम्र में सलमान से काफी बड़ी थी। संगीता से अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे, लेकिन इनके रिश्ते का भी दी एंड हो गया। सोमी अली, सलमान का तीसरा अफेयर। पाकिस्तान के कराची में जन्मी सोमी अली के साथ रहा और मुंबई में सोमी अली ने आते ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और सलमान और सोमी ने एक दूसरे को 8 साल तक फिर डेट किया। सलमान भी उनके लिए काफी सीरियस थे। कहा जाता है कि सलमान के गुस्सैल व्यवहार की वजह से दोनों अलग हो गए। ऐश्वर्या राय, सलमान का चौथा अफेयर। साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम में शुरू हुआ था। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान शुरू हो गई थी। ऐश्वर्या के साथ सलमान के रिश्ते ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन साल 2002 में इस रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या के बाद सलमान का 5वां अफेयर एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ शुरू हुआ। दोनों रिलेशनशिप में भी थे और फिल्मों में एक साथ काम भी किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों में खचास आने शुरू हो गई और साल 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। और अब कैटरीना कैफ विक्की यानी कि विक्की कौशल से शादी कर चुकी हैं। जरीन खान, सलमान खान का छठा अफेयर जरीन खान के साथ शुरू हुआ था। बता दें कि जरीन को एक्टिंग की दुनिया में लाने का पूरा क्रेडिट सलमान खान को ही जाता है। 32 साल की जरीन सलमान खान के साथ फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं और इनके रिश्ते ने मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी हैं, लेकिन इस रिश्ते का भी दी एंड हो गया। क्लोडिया सीएसला, सलमान का 7वां अफेयर जर्मनी से ताल्लुकात रखने वाली मॉडल एक्ट्रेस क्लोडिया सीएसला से शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे को काफी डेट भी किया, लेकिन थोड़े वक्त के बाद यह रिश्ता भी खत्म हो गया। एमी जैक्सन, इसके बाद सलमान का अफेयर ब्रिटेन की रहने वाली एमी जैक्सन के साथ शुरू हुआ था, जो आपके समय में एक जाना माना नाम है। एमी पेशे से एक मॉडल एक्ट्रेस हैं। बता दें कि एमी जैक्सन ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म में काम किया था, लेकिन रिश्ता खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। डेजी शाह, सलमान खान का 9वां अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह के साथ शुरू हुआ था और 35 साल के शाह ने सलमान के साथ फिल्म जय हो में एक साथ काम किया था। दोनों का रिश्ता भी काफी पॉपुलर रहा। कई बार सलमान की पार्टियों में डेजी शाह को स्पॉट भी किया गया था, लेकिन सलमान डेजी का रिश्ता भी खत्म हो गया। लूलिया वंतूर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सलमान का 10वां अफेयर रोमानियाई मॉडल लूलिया वंतूर के साथ रहा और यह रिश्ता भी काफी पॉपुलर हुआ था। लूलिया वंतूर को सलमान खान की गर्लफ्रेंड बताया जाता था और कहा तो यह भी जा रहा था कि ये शादी भी करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तक खबरदार न्यूज को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं।
वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।